आप सभी को मेरा प्यार भरा आई डीवा नमस्कार। जी हाँ, आई डीवा सैलून अवार्ड्स का फीवर हमारी टीम पे तो चढ़ चुका है और बहुत जल्द आप पे भी चढ़ेगा। याद दिला दें, आई डीवा सैलून अवार्ड्स 2019 होने जा रहा है 26 सितंबर को होटल एरोस नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली में। स्टेज शोज 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। ब्राइडल लुक चैम्पियनशिप, जी हाँ, आई डीवा की 9 साल से हो रही ब्राइडल लुक चैम्पियनशिप अब आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे प्रेस्टीजियस, फेयरेस्ट, ट्रू और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो मानी जाती है, मान्यता प्राप्त कह सकते हैं, वो चैम्पियनशिप है। और इसके आपको विनर्स और कंटेस्टेंट्स के बारे में आप जानते हैं। वैसे तो 9 सालों से हमारे इससे ज़्यादा हमारे कंटेस्टेंट्स जानते हैं हमारे रूल्स के बारे में, लेकिन हर साल हम ये वीडियो बनाते हैं क्योंकि जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें जानकारी कंप्लीट हो और प्रॉपर हो और उनको कोई डाउट्स ना रहे। सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जजमेंट क्राइटेरियाज़ क्या क्या होंगे। हमारी एक कंपटीशन होता है ब्राइडल लुक कंपटीशन, इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं करते हम, क्योंकि इतने सारे लोग इसमें भाग लेते हैं तो सिर्फ 3 लोगों को ट्रॉफी देना हमें तकलीफ देता है। तो हमने जजमेंट की क्राइटेरियाज़ को थोड़ा और ब्रॉड कर दिया है। जो व्यक्ति हेयर और मेकअप में सबसे ज़्यादा नंबर होल्ड करेंगे, बोथ हेयर एंड मेकअप, वो कहलाएंगे ब्राइडल लुक चैम्पियन, उनको मिलेगी चैम्पियन ट्रॉफी। और जो उसके बाद उनके अलावा जो बाकी के कंटेस्टेंट्स होंगे उसमें दिए जाएंगे मेकअप और हेयर के अलग अलग अवार्ड्स। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बेस्ट ब्राइडल मेकअप, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बेस्ट ब्राइडल हेयर स्टाइल, साथ ही मिलेंगे 2 कमेंडेशन मेडल्स मेकअप में और 2 कमेंडेशन मेडल्स हेयर में। कमेंडेशन का मतलब होता है कि आपने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन आपसे बेहतर काम किसी और ने किया। सो आप अपने दिमाग में इसको 4th-5th भी कह सकते हैं। हम इसको 4th-5th नहीं कहते, हम इसको कमेंडेशन कहते हैं। कमेंडेशन वर्ड हमारे देश के डिफेंस के जो सिस्टम है उससे हमने लिया है। डिफेंस में कमेंडेशन लेटर्स होती हैं जो आपको किसी मेडल से कम नहीं होती हैं, हमारे जो सैनिकों के लिए होती हैं, जो उनके सीनियर्स उन्हें देते हैं। उसी तरह ये कमेंडेशन मेडल्स हैं, ये आपको सराह रहे हैं कि आपको बस थोड़ी सी और मेहनत करनी और आप एक विनर हो जाएंगे। कमेंडेशन मेडल्स के बाद मिलते हैं एलिमेंट्स अवार्ड्स। 2 एलिमेंट्स मेकअप के होते हैं और 2 एलिमेंट्स हेयर के, यानी कि बेस्ट बेस, बेस्ट आई मेकअप, बेस्ट वैक कॉमिंग, बेस्ट नीटनेस, इस टाइप के एलिमेंट्स। सो ऑल इन ऑल बहुत सारे अवार्ड्स हैं। पार्टिसिपेशन मोमेंटो और सर्टिफिकेट आपको ऑन स्टेज बाय द जूरी दिया जाएगा। और एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, अगर आप अगस्त के एंड तक अपनी एनरोलमेंट्स करा लेते हैं तो आपकी पार्टिसिपेशन ट्रॉफी पे आपका नाम कस्टम मेक होकर आएगा। तो अगर आप अपना नाम अपनी पार्टिसिपेशन ट्रॉफी पे भी चाहते हैं तो आपको विद इन अगस्त बुकिंग करा देनी होगी, क्योंकि ट्रॉफीज़ बनने में टाइम तो लगता ही है। अदरवाइज एक रेगुलर मोमेंटो ऑफ पार्टिसिपेशन तो मिलेगा ही मिलेगा और साथ में सर्टिफिकेट मिलेगा। रैंप वॉक आप सभी करेंगे, सो एज एन आर्टिस्ट आप खुद भी थोड़ा सा रेडी होके आइएगा, बिकॉज यू विल बी वॉकिंग द रैंप अपनी मॉडल्स के साथ। सो कॉम्पिटिशन में जहाँ तक कैश प्राइस की सवाल है तो चैम्पियन को मिलेगा 10,000 रुपीज़ का कैश प्राइस और 7,000 मिलेगा बेस्ट हेयर में हेयर स्टाइल को और 7,000 बेस्ट मेकअप को, अलॉन्ग विथ ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स। एंड जो रूल्स की जहाँ तक बात करी जाए, सबसे पहले देखिए किसी भी कॉम्पिटिशन में जो रूल्स हैं उन्हें ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है, तो ये वीडियो आपको वही क्लैरिटी देने के लिए बनाया गया है। सबसे पहली बात, आपको जो समय वहाँ दिया जाएगा वो होगा 1 घंटा 30 मिनट। जी हाँ, 1 घंटा 30 मिनट का आपको 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको। इस टाइम के अंदर आपको मॉडल का हेयर स्टाइल और मेकअप दोनों करने हैं। प्री प्रेपरेशन किसी भी प्रकार की, प्री बेस या कंसीलिंग मेकअप में अलाउड नहीं है और टोंग्स करना या क्रिम्पिंग करना हेयर में अलाउड नहीं है। किसी भी तरह की बैक कॉमिंग हेयर में अलाउड नहीं है। आप एक नॉर्मल ब्लो ड्राई कर सकते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ अलाउड नहीं है। अगर ऑन द स्पॉट चेकिंग टीम को अगर दिखा के आपने कुछ किया है तो फेस क्लीन करवा सकते हैं, हेयर को वापस वेट करके ब्रश आउट करवा सकते हैं।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे को ये बात आगे भी कई बार फेस करी है हमने कि लोग क्रिम्प वगैरह करके आ जाते हैं और फिर ऑन द स्पॉट हम उनका ब्रश आउट करवाते हैं, इट डजेंट लुक नाइस. तो एक सिंपल क्लियर ब्लो ड्राई इज़ अलाउड, उतना ही करके आइएगा प्लीज़. एंड नो फेस पे किसी प्रकार का बेस, कोई प्री बेस, कोई BBCC क्रीम, कुछ भी अलाउड नहीं है. फेस एकदम क्लियर हो या तो ये प्री प्रेपरेशन कोई अलाउड नहीं है. 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और हेयर एंड मेकअप दोनों आपने ऑन द स्पॉट वहीं करने हैं. हेयर और मेकअप दोनों आप ही ने करने हैं, आपको कोई असिस्टेंट या कोई हेल्पर अलाउड नहीं है. मॉडल आपको पिंस वगैरह पकड़ा सकती हैं, दैट इज़ नो प्रॉब्लम, बट कोई और असिस्टेंट अलाउड नहीं है. करने के लिए आपको एक टेबल स्पेस और एक चेयर और एक प्लग पॉइंट मिलेगा, उसमें आप अपनी टोंग्स या आपके ब्रश मशीन सब कुछ भी लगा सकते हैं. नहीं यूज़ करना तो दैट्स रियली ओके, बट प्लग पॉइंट्स दिए जाएंगे. मिरर अगर आपको चाहिए तो आप अपना लेके आएँ, वैसे मिरर की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि आपकी अपनी आँखें ही सही जज कर लेती हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो एक छोटा सा मिरर आप कैरी कर सकते हैं. जहाँ तक हेयर स्टाइल की बात करें तो हेयर स्टाइल की जो मार्किंग होगी वो क्रिएटिविटी और नीटनेस, बैक कॉमिंग क्वालिटी और बैलेंसिंग ऑफ द हेयर, इन सब चीज़ों पे होगी. और मैसी लुक्स को अवॉइड करेगा क्योंकि मैसी लुक्स में क्रिएटिविटी नहीं आती. एंड जो जजेस हैं वो आज की डेट में अगर आप बॉलीवुड या इंस्टाग्राम को फॉलो करें तो बहुत ही नीट लुक्स आजकल चल रही हैं, सो दे विल बी लुकिंग फॉर नीट लुक्स. ट्राई एंड अवॉइड मैसी लुक्स. जितनी क्रिएटिविटी आप डाल सकते हैं ज़रूर डालिएगा. रेडीमेड हेयर एक्सटेंशन अलाउड नहीं है, जैसे कि रेडीमेड चोटी या रेडीमेड रोल्स या रेडीमेड वो जो क्लचर की फॉल्स होती हैं, इस टाइप की चीज़ें अलाउड नहीं है. और अगर आपने मॉडल के बाल छोटे हैं एंड यू वांट टू गिव इट लेंथ, आपको उसको लंबा करना है, तो आप एक्सटेंशन नॉर्मल लगा सकते हैं. चाहे तो आप नॉर्मल चोटी काट के एक्सटेंड कर सकते हैं या आप ईयर टू ईयर वाली या जो सेक्शन एक्सटेंशन आती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको आपको स्टाइल करना पड़ेगा. सो टोंग, बैक कॉम, रोल, कर्ल, ट्वर्ल, आपको जो करना है, क्रिम करना है, वो आपको ऑन द स्पॉट करना होगा. आपको एक फ्रेश जो है एक्सटेंशन यूज़ करने को अलाउड है, पर उसको स्टाइल आपको अपने हाथ से ऑन द स्पॉट दिए गए समय में करना है. इसके अलावा एक्सेसरीज जो हैं वो 25% तक अलाउड है. सो 25% का मतलब है अगर आपने जितनी एक्सेसरीज लगाई हैं उनको इकट्ठा करके एक साथ लगाएं, तो इतना एरिया जो है, इतना एरिया से ज़्यादा वो कवर ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ओवर एक्सेसराइज ना किया जाए. वो आपके हेयर स्टाइल की पूरी शोभा को दबा देता है और आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म कर देता है, क्योंकि सिर्फ अगर एक्सेसरीज नज़र आएंगी हेयरडू में तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. एंड यस, ओवर एक्सेसराइजिंग के नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अवॉइड कीजिए. थोड़ा डेलिकेट और क्लासी लुक रखिए अपने एक्सेसरीज का भी, क्योंकि जो ज़्यादा डेलिकेट एंड क्लासी होता है ना वो बहुत जल्दी आपकी आई को कैच भी करता है. सो आफ्टर दैट हम आते हैं जो स्टफिंग्स होती हैं हेयर में यूज़ करने के लिए. तो एक राउंड स्टफिंग अलाउड है, एक राउंड डोनट अलाउड है, और अगर फ्रंट में आपको स्टफिंग चाहिए, हावेवर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अवॉइड करें, पर फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप एक छोटा स्टफिंग या एक छोटा सा डोनट स्मॉल साइज का फ्रंट में यूज़ कर सकते हैं. नॉट मोर देन 2 डोनट्स, नॉट मोर देन 2 स्टफिंग्स, मिनिमम 0 स्टफिंग इज़ ऑल्सो अलाउड. अगर आपने कोई यूज़ नहीं करना है, विच इज़ वेरी गुड, तो मत करिए, पर अगर आपने करना है तो मिनिमम यूज़ करिए, मैक्सिमम 2 अलाउड है. आपको हेयर स्प्रेज या ग्लिटर स्प्रेज या कलर स्प्रेज, ये जो चीज़ें यूज़ करनी है आप अलाउड हैं, कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है. बस ये देखिएगा कि बहुत ज़्यादा टैकी ना कर दें आप लुक को. अगर आप बहुत ज़्यादा ग्लिटर या बहुत ज़्यादा कलर स्प्रे करेंगे तो लुक बहुत टैकी और बहुत वैसी सी हो जाएगी, जो कि मतलब अपील शायद ना कर पाए, क्लासी ना रहे. तो वो थोड़ा सा लुक को आप मेंटेन करिएगा. जहाँ तक मेकअप की बात है तो मेकअप में आप किसी भी टाइप का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं. यू कैन डू HD, यू कैन डू लिक्विड फाउंडेशन, यू कैन डू पैन स्टिक, आप एयरब्रश कर सकते हैं, आप मैक कर सकते हैं, आप क्रायलन, मेकअप स्टूडियो, PSE, जो आप ब्रांड यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है. आर्टिफिशियल लैशेज आप लगा सकते हैं और
जो मेकअप में मेन जजमेंट पॉइंट्स होंगे वो होंगे आपकी ब्लेंडिंग, आपका बेस का कलर चॉइस। बहुत ज़्यादा वाइट नहीं करिएगा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करिएगा। आपकी बेस कलर, उसकी स्किन टोन आपकी मॉडल से मैच करनी चाहिए। आपका ब्लश का प्लेसमेंट और आपके ब्लश की ब्लेंडिंग, आपकी हाइलाइटर की क्वांटिटी और आपकी हाइलाइटर की प्लेसमेंट्स, आपके आई मेकअप की क्रिएटिविटी, उसमें आपने कलर चॉइस क्या दी है, उसको आपने किस फॉर्म में कितने कलर्स यूज़ किए हैं, कितनी क्रिएटिविटी डाली है। आपकी लैशेस ओवर द टॉप तो नहीं है, कई बार लैशेस इतनी बड़ी होती हैं कि आईज़ का पूरा इधर सब लैश ही लैश नज़र आता है, सो दैट अवॉइड करिए। लैशेस शुड लुक वेरी नेचुरल बट एनहैंस्ड नेचुरल, नेचुरल लुक आए पर एनहैंस्ड आए, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आप ज्वेलरी जो पहनाएंगे उसको आप ओवर पावर मत करिएगा, लुक को मिनिमम रखिएगा, क्लासी रखिएगा। नथ बहुत ज़्यादा वर्क वाली और बहुत ज़्यादा हैवी नथ ना पहनाएं, आपकी मॉडल ने उसको घंटा दो घंटा पहनना है, वो उसके लिपस्टिक ना ख़राब करे, उसका लुक ना, उसको अनकंफर्टेबल होगा तो शी कीप डूइंग दिस, तो वो उसकी लुक ख़राब हो जाएगी, मेकअप में क्रैक्स आ जाएंगे। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपका बेस ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, आपका बेस ग्रे टोन नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट गो टैन, बहुत ज़्यादा ब्रॉन्जर लुक नहीं दीजिएगा। इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर आप एक बहुत ही अमेजिंग काम कर सकते हैं। आपकी ब्लेंडिंग, क्रिएटिविटी, कलर चॉइस, आर्ट, ये सारी चीज़ें काउंट होंगी मेकअप की जजमेंट में। और फाइनली जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको 26 सितंबर को होटल एरोस में 12 बजे तक पहुंच जाना है। आई वुड सजेस्ट कि आप सुबह से आएँ, आपके आने के कॉम्पिटिशन से पहले जो डेमोन्स्ट्रेशन हैं आप वो ज़रूर देखें। कई बारी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी आर्टिस्ट होते हैं, उनका कोई चीज़ कोई ट्रिक हमें क्लिक कर जाती है और वो हम जब अपने कॉम्पिटिशन में ऑन द स्पॉट यूज़ करते हैं तो उसी से शायद जीत भी जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी और से सीखी हुई चीज़ इमिजिएटली आपको बहुत फ़ायदा दे जाती है। सो आई वुड सजेस्ट कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है इन आर्टिस्ट को इकट्ठे एक स्टेज पे लाने में, साल लग जाता है पूरा अगले साल की तैयारी में, तो आप इस चीज़ मौके को मिस ना करें। आप सुबह 10 बजे आ जाएं और आपकी मॉडल बेशक 12 बजे तक पहुँचे, आपके सामान वगैरह रखने की वहाँ व्यवस्था होगी, नॉट अ प्रॉब्लम। और कोशिश करिए कि आप सुबह से सेशंस वॉच करें और उसके बाद आपके मॉडल को ड्रेसअप करके आप अपने कॉम्पिटिशन के लिए बैठ जाएँ। सो रिपोर्टिंग टाइम इज़ मैक्सिमम 12 noon, दोपहर 12 बजे से पहले आप कंपटीशन के लिए रिपोर्ट करेंगे। और कंपटीशन पूरे 1 बजे शुरू हो जाएगा क्योंकि हम उससे डिले नहीं कर सकते। जजमेंट में टाइम लगता है, हमारे जजेस बहुत बारीकी से जज करते हैं, बहुत टाइम लग जाता है और फिर हमको 5 बजे तक रिजल्ट्स देने होते हैं, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम 1 बजे पूरा कॉम्पिटिशन स्टार्ट कर देंगे, प्लीज़ डोंट गेट डिलेड। अगर आप लेट होंगे तो आपके उतना ही टाइम मिस होगा, हम आपके लिए कंपटीशन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ बी ऑन टाइम, रिपोर्ट बिफोर टाइम, और जैसे ही आप आते हैं आप हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे अपने कंपटीशन के फॉर्मेलिटीज़ को फिलअप करेंगे और आपको 1-2 कार्ड दिए जाएंगे आपका, जिसमें कंटेस्टेंट नंबर होगा। एक आपकी मॉडल के पास हमेशा होना चाहिए, शी शुड बी वेयरिंग इट हियर या कमर पे कहीं भी, उसका नंबर क्लियर होना चाहिए, और एक आपका होगा। सो 2 कंटेस्टेंट नंबर्स होंगे, इसको आप मिस आउट मत करिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कंपटीशन की जो रूल्स हैं मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, जो विनिंग टाइटल्स हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ट्रॉफी पे आपका अपना नाम लिखा हो तो वो आप विद इन ऑगस्ट इस फॉर्मेलिटी को क्लियर कर लें ताकि आपकी ट्रॉफी आपके नाम से बनी हो। इस सब के अलावा अगर आपको कंपटीशन या शो को लेकर कोई क्वायरी है, कोई डाउट्स हैं, फिर भी कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, तो हम हमेशा आपकी सेवा में हैं, आपकी मदद में हैं। आप हमारे नंबर्स नोट कर लीजिए, 8826489898, 8826489898, और दूसरा नंबर है 9711119840। फिर से नोट करिए, 9711119840। तो ये थे हमारे नंबर्स, हमारे रूल्स, हमारा कंपटीशन और एक बहुत ही ग्रैंड शो की तैयारी, आपकी भी और हमारी भी तैयारी जीत की। सो मिलते हैं आपसे आईडीवा सैलून अवार्ड्स को 26 सितंबर
होटल इरोज नेहरू प्लेस में। आई डीवा नमस्कार।